हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और कल से हमने स्टार्ट किया है सीटेट प्राइमरी का। हम सॉल्व पेपर करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं एक्सप्लेन करके, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन किसी क्वेश्चन का करते हैं तो उसमें जो है कुछ ऐसे हमें टॉपिक मिल जाते हैं जिससे कि अलग और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कल हमने ईवीएस का सितंबर का 2016 का 14 क्वेश्चंस तक हमने किए थे, क्योंकि मैंने पूरे नहीं कराए थे क्योंकि वीडियो जो है पूरा बड़ा हो जाता, तो उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो भाई वीडियो पूरा देखिएगा और उसको समझिएगा कि एक्सप्लेन जो क्वेश्चन करे जा रहे हैं उनमें से भी आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे आने वाले अब एग्ज़ाम में हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कल 14 तक मैंने आपको करा दिए था, 15 है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। अब देखिए इसमें क्या है, यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विभिन्न पशुओं पर रंग भरने को कहता है तो वह बच्चों में सृजनशीलता का विकास करता है। देखिए सृजनशीलता, बच्चे जो हैं अपने हिसाब से उसमें उसको सोचेंगे और उसमें कलर करेंगे, अवलोकन का विकास करेंगे, है ना, और वर्गीकरण कौशल का विकास करना चाहता है। तो ये तीनों विकास इसमें आएंगे, तो इसका आंसर आपका आएगा ए बी और सी। डी नहीं आएगा क्योंकि इसमें डाटा संग्रह का विकास नहीं है, इसमें कोई भी डाटा का संग्रह नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, तो ये एक कारण कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस बात को, नंबर एक आपका ऑप्शन है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। कैसे होगा, देखिए पर्यावरण जो है पाठ्यक्रम में, जो हमारा जो एनवायरनमेंट पाठ्यक्रम है, जो हम पढ़ते हैं अपना एनवायरनमेंट पर्यावरण, उस पाठ्यक्रम में जो है पौधों और पशुओं को परिवार और मित्र, यानी कि हम पौधों के बारे में भी पढ़ते हैं, पशुओं के बारे में भी पढ़ते हैं, और उनके परिवार और मित्र यानी कि उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित करना, इस बात को उभारना है कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष जैसे कि पशुओं या पौधों से कनिष्ठ रूप से जुड़े होती हैं एवं विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। इसके चारों ही होंगे ए बी सी डी, क्योंकि इसमें जो है शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य ये सारी ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा शिक्षक द्वारा प्रदर्शित, शिक्षक ने एक प्रदर्शित किया है कि एक कटोरे में पानी उबाल लें, एक कटोरा है उसमें पानी उबाल लें और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। यानी कि शिक्षक ने बच्चों के सामने इस तरीके का एक प्रदर्शन किया कि एक कटोरे में पानी उबल रहा है और उसका बाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, बच्चों ने ये प्रयोग देखा है, जो कि बच्चों की उम्र कितनी है, 7 से 8 वर्ष है। तो ये देखने के बाद बच्चों का उत्तर क्या होगा। ठीक है,
तो इसका आंसर दिया है पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो यहाँ पर ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों में क्या बताते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, बच्चों की सोच गलत है। अब यहाँ पर जो होगा बी आंसर है, कैसे है देखिए, कटोरे में पानी उबालना एवं उसका बाष्पीकरण हो जाने का प्रयोग देखकर 7 से 8 वर्ष तक का बच्चों का बाष्पीकरण के बारे में दिया गया उत्तर ये प्रदर्शित करता है कि बच्चों में बाष्पीकरण के बारे में विकल्पी विचार हैं। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा कि बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। 19 क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इससे ही पूछा गया है कि जो बच्चों ने जो प्रदर्शीकरण किया था पानी उबालने का, तो बच्चों ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, तो इस तरीके के बच्चों ने अपने अपने नज़रिया जो बताया है, तो उसमें बच्चों को शिक्षक जो है वो इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने आंसर दे रहे हैं, तो उनका सामना शिक्षक किस तरीके से करेगा, तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो यहाँ पर जो होगा वो आंसर शिक्षक ये देगा कि शिक्षक को बच्चों को बाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानक चार्ट बना बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, जिसे बच्चे देख कर सीखें। ठीक है, इसी से रिलेटेड नेट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, बाष्पीकरण विषयों पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए, क्योंकि भाई बच्चों ने अपने अपने अलग अलग तरीके की सोच दी थी, तो उसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन है, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी। सी में क्या है, बाष्पीकरण विषयों पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाए कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर देंगे, क्योंकि पहले जो शिक्षक ने जो है बच्चों को जो जल चक्र का एक मानक चार्ट बताया और उसमें सारी चीज़ें बताई और फिर बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर जल चक्र होता ही नहीं तो क्या होता, तो बच्चे जो है उस चार्ट के हिसाब से बच्चों शिक्षक को जो है अपने अपने आंसर देंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर सी है, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब हैं। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मनाली बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर राजस्थान, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ का आंसर आएगा आपका ये डी। डी में क्या है, देखिए सबसे पहला मनाली, मनाली क्या है, मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम, यहाँ पे जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें ए का सेकंड सही है और बी का 4, सी का 1। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पर क्वेश्चन जो है और भी तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन जो है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो आंसर होगा आपका ए, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न की उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, जैसे कि बाघ, जिराफ, बकरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हों
उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर आएगा आपका डी, जंगल अधिनियम अधिकार अधिनियम 2007। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। और ये अधिनियम जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उन्हें पुनः प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि जो है वनवासियों को अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के द्वारा क्या छीन लिया गया था, आपका जो था जंगल अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो इसको दोबारा से पारित किया गया 2007 में। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, यानी कि कौन सा समूह है जो मच्छरों के द्वारा रोग फैलते हैं? तो इसका आएगा ए, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। ठीक है, तो ये जो है डेंगू एवं चिकनगुनिया एंडिस मच्छरों के काटने से फैलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ये भी पूछ सकते हैं कि डेंगू एवं चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना आपका एंडिस। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं, जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रह सकता है, और जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा, अब देखिए यहाँ पे मलेरिया का भी मच्छर का नाम पूछ सकते हैं, तो उसका नाम होता है मादा एनोफिलेस एवं रोग जो है प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका घटपर्डी पौधा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो घटपर्डी पौधा जिसे निपेंथिस भी कहते हैं, ये क्या है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कंकड़ियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता, मेढक कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसका आंसर आपका आएगा डी, क्योंकि घटपर्डी पौधों की पत्तियाँ जो हैं वो पूर्ण रूप से उनकी भाग जैसे सुराई के आकार का होता है, जिसकी लंबाई जो होती है 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है, और ये पौधे जो हैं मेढकों कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती हैं, जिससे इन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका बी, क्योंकि आंवला है, पालक है, गुड़ है, इसमें जो है लौह तत्व यानी कि आयरन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है। तो खाद्य पदार्थों में और भी देखिए, आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है, और लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है बालकों मलिकाओं महिलाओं में ये ज़्यादा पाई जाती है, और जो लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संभाग होता है, और लौह तत्व की कमी से रक्त की ये क्षमता कम हो जाती है जिसे अरक्तता यानी कि एनीमिया भी कहते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? तो इसका आंसर आएगा दक्षिण अमेरिका। मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका यानी कि मैक्सिको को माना जाता है, और हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी जो थे वो दक्षिणी अमेरिका से आए थे। मिर्च जो है कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा ये सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वाद तीखापन और गुदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग जो है एक सब्जी यानी कि शिमला मिर्च या एक मसाले यानी कि लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ये आएगा आपका फाख्ता। फाख्ता किसको कहते हैं? फाख्ता को हम कबूतर भी कहते हैं, है ना। तो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है, इसे हम कबूतर के नाम से जाना जाता है, और ये कोलंबी फॉर्म्स गढ़ एवं कोलमिंडी कुल का पक्षी है। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, और ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसका आंसर आपका आएगा स्लॉथ। स्लॉथ जो है ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है,
और ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। मध्यम आकार का ये शाकाहारी है और ये धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत ही धीमी धीमे यानी कि स्लो मोशन में हिलता है ये। और आधुनिक स्लॉथ जो है जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। ये देखने में भालू जैसे होते हैं परंतु भालू से अलग हैं। ये दिन के लगभग 17 घंटे जो हैं वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं और ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं एवं जीवित रहने के लिए पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। और इसके बारे में बता दूं, जब एक पेड़ की पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं तब ये दूसरे पेड़ पर जाकर अपना बसेरा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका EVS का CTET का प्राइमरी का 2016 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सॉल्व पेपर था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आगे भी मैं और जो ईयर्स के हैं वो आपको वीडियो में इसी तरीके से अपलोड करती रहूँगी। तो बस आपको करना क्या है, आपको करना है मुझे सपोर्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना और मेरे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।